यशो माता जी, दोनों हाथ माँ के सामने, हृदय में श्री माता जी को नमन करते हुए, माँ की छवि को निरंतर देखते हुए, श्री माता जी, हम सभी आपसे बहुत प्रेम करते हैं, कृपा करके हम सभी के हृदय में आइए। हृदय में माँ के प्रेम को अनुभव करेंगे। माता जी, हम सबको क्षमा कर दीजिए, हम सभी अज्ञानी हैं। माता जी, हम सभी के हृदय को और पावन कीजिए। माँ के छवि को बीचों बीच हृदय में स्थिर करते हुए धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को दोनों हाथों पे धीरे धीरे अपने संपूर्ण चित्त को सेंटर स्वाधिष्ठान सेंटर नाभि राइट हृदय श्री माता जी, आप ही तो मेरे अंदर जिम्मेदारी भाव हैं। श्री माता जी, कृपा करके हम सब के अंदर जिम्मेदारी का भाव उत्पन्न करें। श्री माता जी, आप ही तो श्री सीता और राम हैं, कृपा करके हमारे अंदर मर्यादा दीजिए, हमारी वाणी में, हमारे चित्त में, हमारे कर्मों में मर्यादा दीजिए। संपूर्ण चित्त राइट हृदय दाहिने हृदय पे श्री माता जी, हमारे दाहिने हृदय में श्री सीताराम जी की समस्त आशीर्वाद दीजिए। अपने चित्त को राइट हृदय पर क्लॉकवाइज 7 टाइम्स घुमाएंगे।
श्री सीताराम साक्षात मंत्र त्वमेव साक्षात श्री सीताराम साक्षात श्री आदि शक्ति माताची श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। अपने राइट हृदय से सिर के तालु भाग को जोड़ेंगे। राइट हृदय और सिर का तालु भाग जब तक दोनों जगह चैतन्य ना आए हम मिलाते रहेंगे राइट हृदय और सिर के तालु भाग को। एक बार और मंत्र ॐ त्वमेव साक्षात् श्री सीताराम साक्षात् श्री आदि शक्ति माताची श्री निर्मला देव्यै नमो नमः। सिर के तालु भाग और राइट हृदय में एक रूपता आनी चाहिए। पूरे चित्त को सिर के तालु भाग पर रखकर अमृत वाणी सुनेंगे। आज आप लोगों ने मेरा जन्म दिवस मनाने की इच्छा प्रकट की थी। अब मेरे कम से कम 4 या 5 जन्म दिवस मनाने वाले हैं लोग। इतने जन्म दिवस मनाइएगा उतने साल बढ़ते जाएंगे उम्र के। लेकिन आपकी इच्छा सामने मैंने मान लिया जिसमें आपको आनंद होता है आनंद मिलता है तो ठीक है। लेकिन ऐसे दिवस हमेशा आते हैं उसमें एक कोई कभी नई चीज हमारे जीवन में होनी चाहिए क्योंकि हम सहयोगी हैं प्रगतिशील हैं और हमेशा एक नई सीढ़ी पर चढ़ने का ये बड़ा अच्छा मौका है। सहयोग में जो आज स्थिति है वो बहुत ही अच्छी है। जबकि हम देश की हालत देखते हैं आज तो लगता है कि सहयोग एक स्वर्ग हमने हिंदुस्तान में खड़ा और इसकी जो हमारी एक साधना है इसमें जो हम समाये हुए हैं इसका जो हम आनंद उठा रहे हैं पर पहुंच गया और इसका आधार बहुत बड़ा है। इसका आधार है कि आपने अपनी शुद्धता को प्राप्त किया अपने शांति को प्राप्त किया और अपने आनंद को प्राप्त किया। यह आपकी विशेष स्थिति है जो और में नहीं पाई और इसको सब लोग देख रहे हैं समझ रहे हैं कि ये कोई विशेष लोग है और उन्होंने कोई कभी विशेष जीवन प्राप्त किया। मैं जहां भी जाती हूँ और जगह लोग मुझसे बताते हैं कि हम एक सहयोगी में जानते हैं वो बहुत नेक आदमी है बहुत बड़े आदमी है उनका जीवन एकदम परिवर्तित हो गया और उन्होंने पूर्णतया समर्पित कर दिया और उनका सारा कारोबार बहुत अच्छे से चलता है। उनका कुटुंब भी बहुत सुखी है सब तरह से वो एक आनंदमय वातावरण में रहते हैं। ऐसा दूसरे लोग नहीं करते और फिर कहते हैं कि माँ हमें भी आप बताइए
मैं कहती हूँ आओ हमारे मंदिर में आओ, तहज्जुद में आओ, लोगों से मिलो, उनसे बातचीत करो। और आप सब लोगों ने जिस तरह से सहयोग को अपनाया है और बढ़ाया है, एक कमाल की चीज है। लेकिन इसको एक बात जान लेनी चाहिए कि हमारे पास जो विशेष शक्तियां हैं वो आज तक किसी के पास नहीं, आज तक कोई भी कुंडलिनी का जागरण इतने आसानी से नहीं कर सकता, कोई भी चक्रों का निदान लगा नहीं सकता। ये किसी को मालूम ही नहीं कि उंगलियों पे आप चक्र जान सकते, आज तक इन्हीं शास्त्र में मैंने नहीं देखा। किसी ऋषि मुनि किसी ने बात नहीं बताई कि आप उंगलियों पे निदान बता सकते हैं चक्रों का, चक्रों तक बात करी है, सहस्त्रार्थ पर भी बहुत कम लोगों ने बात करी। आप लोग इतने सूक्ष्म ज्ञान को इतनी आसानी से प्राप्त कर रहे क्योंकि आपने इस पर बहुत ध्यान दिया और आत्मा के प्रकाश में इस सूक्ष्म ज्ञान को आपने प्राप्त कर लिया। अब आप सहयोग बढ़ा रहे और सहयोग के जो नियम है उनमें आप बहुत ही सहजता से आ गए, किसी को इसमें मैंने रुकावट करते हुए देखा नहीं, किसी ने इस पे मुझसे वाद विवाद नहीं किया और आसानी से सब बातों को मान गया। जैसे कि मैंने कहा कि हम बाह्य के धर्म जाति आदि भेद को नहीं मानते, अभेद को मानते हैं, हम सब एक परमात्मा के अंश है और उस अंश को, उस विराट स्वरूप को जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए। और ये जो बाह्य में विकृतियां आ गई हैं, उनको छोड़ करके अंतरतम में हमें अपनी एकता जाननी चाहिए। और धीरे धीरे मैं देखती हूँ कि सब लोगों में इसका आनंद आने लगा, यही आनंद है जो आपको यहाँ खींच कर लाता है और हर बार आप कहते हैं कि ये आनंद हम दूसरों से भी बांट रहे हैं। जैसा एक शराबी अकेले शराब नहीं पी सकता, उसी प्रकार आप लोग भी अकेले इस आनंद को नहीं उठा सकते। तो अगर एक आदमी सहयोग में आ गया, उसके सारे रिश्तेदार सहयोग में आने चाहिए, उसके सब मिलने वाले आने चाहिए, उसके सब दोस्त आने चाहिए, वो सबको सहयोग में उठाते हैं। तो पहला प्रलोभन तो शारीरिक होता है, शरीर की व्यथा दूर हो गई, मानसिक व्यथाएं दूर हो गई और आपसे रिश्ते ठीक हो, आपस में मेलजोल कर गया, बच्चे ठीक से चलने लगे, हर तरह की आपकी प्रगति हो गई, यहाँ तक कि लक्ष्मी जी की भी कृपा। और हर पल हर घड़ी आप देखते हैं कि आप परमात्मा के साम्राज्य में हैं और परमात्मा आपकी मदद कर रहे हैं। इतने चमत्कार हो गए इसमें युग में कि उनको लिख कर निकालने की किसी की हिम्मत नहीं होती। वो कहते वहां पहले आप छान बीच में से दो, आप सोचते लिखने वाला लिखे नहीं थे, इसको जाने कितने गर्व होता है। सामाजिक स्तर पे हम लोगों ने बहुत उन्नत, इसमें कोई शक नहीं, और धर्म में भी लोग जम रहे हैं। देखिए हमारे अंदर आ गई है, प्यार आ गया है और हम सच्चाई को बहुत कुछ चीज मानते हैं और उस पर चलते हैं, सिर्फ बोलते नहीं लेकिन हमारे जीवन में ये सच्चाई आ गई, ये बहुत बड़ी बात है। आपस में मैंने देखा है, खासकर सहयोग में कोई पैसा वैसा नहीं खाता, सहयोग के लिए कुछ रुपया दीजिए, पैसा दीजिए, तो कोई पैसा नहीं खाता। लोग बहुत से कहते हैं कि माँ ये भगवान से डरते हैं इसलिए पैसा नहीं खाते, किंतु मैं सोचती हूँ कि सहयोग में एक तरह का समर्थ बनना अपने आप घटित होता है। समर्थ सम माने आप अपने को उसके साथ
अर्थ बनना, जो आप इंसान है वो दस धर्म जो एक इंसान में बचे हुए हैं जागृत हो जाते हैं और मनुष्य समर्थ हो जाता है, उसको अपने गुण जो है अपने वर्चुज है वो अच्छे लगने लग जाते, उसी में उसको बताता है और दुर्गुण से वो भागता है। अगर कोई दुर्गुणी दिखता है तो या तो उससे भागता है या शांतता पूर्वक कोशिश करता है, इसी तरह से चुपचाप कभी कभी कोशिश करता है इस आदमी के दुर्गुण निकल जाए, और वो दुर्गुण निकालने की भी उसको तौर तरीके मालूम है, उसे वो इस्तेमाल करता है और बहुत बार यशस्वी हो जाता है, उसमें यश पा लेता है। इसी प्रकार आपने देखा है कि कला में भी बहुत कुछ सहयोग में कार्य किया, बहुत से कलाकारों में एक नया आयाम आ गया है, नया नई दिशा आ गई है, और यही नहीं पर प्रदेश में भी मैंने देखा है कि कलाकार हर तरह से नई नई बातें सोचने लगे हैं, बहुत से पेंटर्स आर्टिस्ट म्यूजिशियंस सब में एक नया उत्साह, एक नई धारणा, एक नया विचार प्रकटित होता है। ये सब हो गया, सामाजिक समाज के प्रश्न भी बहुत से कुछ हल हो गए हैं, और आप लोगों के जो छोटे छोटे प्रश्न थे वो भी हल हो गए, जो छोटी तबीयत वाले लोग थे वो ठीक हो गए, और जो बहुत गर्म मिजाज थे वो भी ठंडे हो गए, जो बहुत ही ठंडे थे वो भी उठ खड़े हो गए। अब ये सारी सेना तैयार हो गई, एक विशेष रूप की सेना है, इसी देश में नहीं, आप तो जानते हैं कि सहयोग ऐसा कहते हैं कि 56 देशों में चल रहा है, और मैं कह सकती हूँ कि 30 देशों में बहुत ही कार्य आ गया और बहुत कार्य हो रहा है और सहयोग बढ़ रहा है। सहयोग को बढ़ाना भी बहुत बड़ी चीज, जो लोग सहयोग को बढ़ाते हैं वो बहुत बड़ा परमात्मा का कार्य कर रहे हैं, वो आप संगीत के द्वारे बढ़ाए या कला के द्वारे बढ़ाए या भाषणों के द्वारे बढ़ाए, जिस तरह से भी बन सकता है आप सहयोग बढ़ा रहे हैं। वैज्ञानिक तौर पे भी बहुत से विज्ञान के लोग जैसे अमेरिका में हैं, उन्होंने बहुत सी बातों पे लिखने का सोचा हुआ है, और बहुत से डॉक्टरों ने आप जानते हैं बहुत कुछ यहाँ कार्य किया है, अपने ऊपर जिम्मेदारी ले करके और लड़ झगड़ के इस चीज को स्थापित कर दिया कि सहयोग एक वास्तविक सत्य है। जब मैं इस संसार में आई थी और जब मैंने दुनिया की तरफ नजर की तो मैं सोचती थी कि इस अंधेरे में मेरी एक छोटी सी रोशनी क्या काम कर पाएगी, कोई देख भी नहीं पाया, और किसी से इसके बारे में कहने की तो बात छोड़िए, इसके बारे में विचार भी करने के लिए मैं सोचती थी कि क्या पाया। ये तो लोग इतने अंधकार में हैं, इतने अज्ञान में हैं, और जिन्होंने ज्ञान भी इकट्ठा किया था वो सिर्फ बौद्धिक किताबें पढ़ पढ़ के बौद्धिक बातें सीख रहे थे, उनके आगे कोई बात कहने से कोई विश्वास किसी को नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता था उस वक्त मैं एक परिवर्तन की भाषा कर सकती थी। लेकिन अब साथी हो गया और आप लोग जानते हैं कि ये सब कुछ हो गया। आज के शुभ घड़ी पर मैं सोच रही हूँ कि अपने देश की ये हालात देखते हुए और जिस तरह से सब चीज हो रही है, हम लोगों को राजकीय क्षेत्र में भी उतरना चाहिए। जब तक हमारे जैसे लोग राजकीय शासक क्षेत्र में नहीं आएंगे ये हमारे देश की हालत ठीक नहीं हो सकती, एकदम सड़ करके ये पता नहीं क्या हो, और इसकी आँच सहयोगियों पे भी आने वाली है। ये नहीं कि आप ऊपर जाए, हालात की आपको इससे कोई तकलीफ नहीं होगी, ये हालात की आप इसमें से निकल आए, लेकिन अगर आपको अपने देशवासियों का ख्याल है और अगर आपको अपने बच्चों का ख्याल है तो बेहतर है कि हम लोग भी समाज में
जो कार्य कर रहे हैं करते रहे हैं उसके एक राजकीय स्वरूप है, और राजकीय करके हम सिद्ध करते कि जो लोग नेक है, जो धार्मिक है, जो सत्य पे चलने वाले लोग हैं, जिनमें लालच नहीं, ऐसे लोग एक नए तरह का राजकीय राष्ट्र बना सकते। कोई भी देश में जाइए, चाहे वो डेमोक्रेसी हो, चाहे वो कम्युनिज्म हो या कुछ, डेमोक्रेसी में तो आप देखिए कोई ऐसा मैंने किस नहीं देखा जहाँ पर बीमारी ना, कहीं कम कहीं ज्यादा, अनैतिकता खुलेआम बहुत जगह चल रही है। और अगर आप कम्युनिस्ट कंट्रीज में जाइए तो अब टूट गए हैं सारे, लेकिन तो भी वहां पर जो लोगों को जबरदस्ती काम कराया जाता है उससे उनकी स्वतंत्रता तक चली गई। इसलिए दोनों तरह से, एक तरफ तो सत्ता और दूसरी तरफ पैसा, इन दोनों का ही सबको अविर्भाव है। सभी दूर आप देखते हैं यही अविर्भाव हो रहा है, और लोग इन्हीं दो चीजों के पीछे भाग रहे हैं। और कोई भी देश के बारे में, अब हमें अपनी जो सतह है, इस सतह से हम सब चीज की तरफ देखते हैं, फिर वो अंतरराष्ट्रीय प्रश्न हो, चाहे राष्ट्रीय हो, और चाहे हमारे छोटे छोटे कस्बे गांव का, हम लोगों की सतह से जब हम उसे देखते हैं तो विश्वत्व की दृष्टि से देखते हैं, उसकी विशालता से देखते हैं, दूसरे उसकी गहनता से देखते हैं कि उसमें कौन सी खराबियां हैं और ये खराबियां हम कैसे निकाल रहे हैं। ये खराबियां भी हम लोग बहुत आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि आपके पास बहुत बड़ी शक्तियां हैं। आप जानते हैं कि बंधन के सहारे आप बहुत कुछ काम कर सकते हैं और बहुत लोगों को अपने सहयोग में ला सकते हैं। बहुत से अभी मुझे लोग मिले थे कि जो एयरफोर्स में है, वो कह लगे कि माँ हमें भी दे लीजिए, हम जानते हैं कुछ एयरफोर्स के लोगों को और वो सहयोग में है और उन्होंने बड़ा कमाल कर दिया। फिर कुछ पुलिस वाले हैं वो भी हमारे साथ लग गए हैं, महाराष्ट्र में तो जो पुलिस टाइम्स है वो हमेशा जो कुछ भी सहयोग के बारे में छापे वो छापते। इसी प्रकार कुछ अखबार वाले भी हमारे साथ मिल गए, और बहुत से आप जानते हैं यहाँ पर सरकारी नौकर भी सहयोग में आ गए, जब उनकी बदली हो जाती तो सहयोग फैला गए। इसी प्रकार हमें अगर राजकीय में हम उतर जाए तो जो राजकीय समस्याएं हैं उनका भी हल हम लोग निकाल सकते। इसमें पहली चीज ये रखना चाहिए कि हमारी जो कुछ भी इच्छा है इस मामले वो साफ सुथरी होनी चाहिए, उसमें शुद्धता होनी चाहिए। हम सिर्फ देश के हालात ठीक करना चाहते हैं और हम लोगों तक उनका जो अधिकार है वो पहुंचाना चाहते हैं, इतना ही नहीं उनके अंदर धर्म जागरूक करना चाहते हैं, जिससे कि देश हमारा जो है वो एक और सुचारू रूप से और सुंदरता से बढ़े, आगे बढ़े और सारे संसार के लिए एक आदर्श बन जाए। इस देश में अनेक शक्तियां हैं, बहुत ही ज्यादा आध्यात्मिक देश है, और आध्यात्म की शक्तियां आप जानते हैं, कोई माने न माने आप लोग तो जानते ही हैं कि अध्यात्म में कितनी शक्तियां हैं, और इस देश की जो शक्तियां हैं उसको हम बहुत अच्छी तरीके से अपने इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसमें एक बात और हमें याद रखनी है कि हमें भारतीय संस्कृति में उतरना चाहिए, विदेशीय संस्कृति में हम लोग जो जाने लग जाए तो विदेश की जो खराबियां हैं वो बहुत आसानी से हमारे अंदर आ जाए। भारतीय संस्कृति का जो शुद्ध स्वरूप है वो आत्म साक्षात्कार के लिए बहुत पोषक है। अगर हम भारतीय संस्कृति में नहीं आएंगे तो कभी भी इस देश का हाल ठीक नहीं होगा। ये तो ऐसा ही है, मैं हमेशा कहती हूँ कि अगर आम का पेड़ जाकर के आप विदेश में लगाइए तो उसमें आम भी नहीं आएंगे और सेब भी नहीं आएंगे। इसलिए जो आदमी भारतीय है उसे भारतीय ही संस्कृति में आना चाहिए, और जो प्रदेश में जितने भी सहयोगी हैं आश्चर्य की बात है
वो हमेशा कहते हैं कि माँ हमें भारतीय संस्कृति में आप जो ये बहुत सौम्य संस्कृति है, इसमें बच्चे देखते हैं हम लोग देखते हैं तो अत्यंत सौम्य है, सहनशील है और इतना ही नहीं धार्मिक है। तो जो शुद्ध स्वरूप भारतीय संस्कृति का है उसको हमें बनाना है और उस पर विचार करना है और हमारे घर में भी वो संस्कृति आनी चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि भारतीय संस्कृति वो है जिसमें कि मुसलमान लोगों ने जो हमारे सब कुछ चीज आदि जैसे पर्दा करना वगैरह वगैरह, ये बिल्कुल ये तो हमारे साउथ में जो महाराष्ट्र है वहाँ कोई औरतें पर्दा वर्दा कुछ नहीं करती, वो सब भारतीय संस्कृति से रहती है। गुजरात में भी जो वो कुछ पर्दा वर्दा नहीं करते, ये पर्दा वगैरह की जो सिस्टम है वो सिर्फ इधर उत्तर हिंदुस्तान में चल पड़ी, इतना ही नहीं औरतों को दबाना, औरतों के साथ दुष्ट व्यवहार करना वगैरह, ये बिल्कुल भारतीय संस्कृति में नहीं। भारतीय संस्कृति में तो बहुत बहुत विद्वान औरतें हो गई, आप जानती हैं, उनको बताने की जरूरत नहीं, और उन्होंने बड़े बड़े विद्वानों के साथ वाद विवाद सब किया और बड़ी बड़ी पंडिताई उन्होंने हासिल करी और अपने देश में इस चीज के लिए कभी सोचा भी नहीं कि औरत नीची है या औरत को दबाना चाहिए या उसकी उसमें कोई कमी है। सबका अपना अपना स्थान माना है, स्त्री का स्त्री कहेंगे, पुरुष का पुरुष कहेंगे। तो जब वो लोग अपनी संस्कृति दे रहे हैं, जब उन देशों के लोग अपनी संस्कृति दे रहे हैं, तो क्या हमारे लिए जरूरी नहीं कि हम भी अपनी संस्कृति को जाने और समझे और उस तरह से। बहुत सी बातों में हम सोचते हैं कि आसान है कि हम उनका अनुकरण करें, लेकिन अब वो लोग समझ रहे कि उन्होंने जो जो गलतियां करी हैं वो इसके की क्योंकि उनके पास कोई भी किसी भी तरह का अंकुश नहीं था, कोई अंकुश नहीं था, जैसे एक पतंग कट जाए इस तरह से वो लोग जो उनके मन में आता हो करते और अति पे चले जाते हैं एक्सट्रीम। जब वहां जाते हैं तब उनको पता होता है कि गलती हो गई और उससे ये बीमारी हो गई वो बीमारी हो गई, सारे उनकी जो समाज है नष्ट भ्रष्ट हो गया। हमारा अंकुश जो है वो हमारे संस्कृति की नैतिकता है जिसे हमें समझ लेना है और वो जब तक हमारे अंदर पूरी तरह से उतरेगी नहीं तब तक हम लोग असली सहयोग भी नहीं हो सकते, क्योंकि ये बहुत सहयोग के लिए पोषक है। इसलिए मैं नहीं कह रही कि मेरा जन्म हिंदुस्तान में हुआ है तो तुम्हें हिंदुस्तान में, जो बाहर की चीजें अच्छी है वो सीखनी चाहिए और वो भी भारतीय संस्कृति को अगर आप पूरी तरह से अपना लें तो अपने आप ही आ जाएगा। वो तो थोड़ी सी उनके पास चीजें हैं जिनके प्रति हम समझ सकते हैं कि उन्होंने जो कायदे कानून बनाए हैं बाहर या इस तरह से उन्होंने अपनी प्रगति की है और उसमें भी एक तरह का कोई नियम और कोई डिसिप्लिन रखा है तो हमारे अंदर नहीं, वो भी अपने आप ही आ जाएगा। क्योंकि भारतीय संस्कृति ऐसी चीज है कि वो सब चीज पे असर करती है, सब चीज को वो ठीक करती है। जीवन के जितने प्रांगण हैं, जितने भी आयाम हैं, सब में वो एक दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करती है। वो दैविक प्रकृति को प्रस्थापित करने के बाद और किसी भी संस्कृति में नहीं, इसलिए हमारी भारतीय संस्कृति को स्वीकार करना चाहिए और उसमें अपने को बहुत महत्वपूर्ण समझना चाहिए कि हमारी हम लोग भारतीय संस्कृति में उतर। मैं गांधी जी के पास 7 साल की उम्र से थी और मैं उन्हें देखती थी तो मैंने देखा कि उन्होंने धर्म पर बहुत बात की थी, लेकिन गांधी जी बहुत कड़क स्वभाव के आदमी थे, बहुत ज्यादा कड़क थे, वैसा सहयोग में नहीं, सहयोग में जैसा चाहे रहो, जैसे आराम से जैसे बन पड़े जितना आगे चलो, कोई इसमें आपको जबरदस्ती नहीं। उनका तो ये स्वभाव था गांधी जी का कि सवेरे 4 बजे उठना चाहे कुछ हो जाए। अब सहयोगी करते हैं और देश के सहयोगी बहुत मेहनत करते हैं, हम लोगों से बहुत ज्यादा। एक तो अपने यहाँ कोई आश्रम में नहीं रहना चाहता, अब वो लोग कहते हैं माँ आप ही आश्रम में रहो तो कोई रहने नहीं चाहता, इतना आश्रम बना है तो लोगों को आश्रम में रहना नहीं अच्छा लगता है, घर से चिपक के रहते हैं। पर गांधी जी का आश्रम में नियम ये थे 4 बजे उठने का और सवेरे उनके साथ आप नहा धो करके और प्रार्थना में जाना,
तो वहाँ सब सांप वगैरह सब घुमा करते थे, कभी प्रार्थना में भी देखते थे कि सामने सांप बोल रहे हैं आप, लेकिन आप चुपचाप बैठ करके वहाँ ध्यान करिए। उसके बाद उसकी जब प्रार्थना हो जाती थी उसके बाद वो बहुत जल्दी चलते थे, उनके साथ सबको दौड़ना पड़ता था। और इतने उनके कायदे कानून थे कि खाने के लिए सिर्फ उबला हुआ खाना, और अगर आप चाहिए तो ऊपर से थोड़ा सा सरसों का तेल आप खा ले सकते, और ना उसमें कोई मिर्च ना कोई चीज नहीं, और बिल्कुल आपको ऐसा खाना खाना पड़ेगा। वो चाहे चीज कोई भी हो, चाहे जवाहरलाल हो, चाहे अबुल कलाम आजाद हो, चाहे कोई हो, सबके लिए नियम था कि खाना यही सबको मिलेगा, और सब इसी तरह का वहाँ खाना भी खाते। बहुत ज्यादा उनका डिसिप्लिन था, और खुद अपने मामले में भी अपना जीवन भी उनका इसी तरह का था जिसमें वो बिल्कुल ही कहना चाहिए बड़े भारी बाबा जी के सन्यासी थे, और बहुत उनका स्वभाव था और इतने जबरदस्त थे कि कोई अगर कोई जरा सी गलती कर दे तो उसको सबके सामने खोल करके इस तरह से कह देते थे कि दूसरा आदमी जो है वो बिल्कुल लतीफ हो गया। उस वक्त ऐसी चीज की जरूरत नहीं थी, लेकिन न जाने उस वक्त ऐसे लोग थे जिन्होंने बहुत प्यार किया देश के लिए, बहुत प्यार किया। हमारे पिताजी माता जी हमने देखा ऐसे लोग तो अब सोच भी नहीं सकते ना उन्होंने क्या किया, सब चीज त्याग। हम लोग छोटे छोटे बच्चे थे, 8-9 साल की थी, तो इतनी बड़ी चाबी लेकर के घूमती थी, सब भाई बहनों को संभालती थी, घरों से निकाल दिया, मोटर ले जा रही, और हम लोग तो झोपड़ियों में रहते थे। इतना त्याग, इतनी श्रद्धा देश को आजाद करने की। जो देखो आज देश आजाद हुआ है, क्या आज आजाद होकर के देश का क्या हाल था। इसी प्रकार एक तरह के बड़े वीर लोग थे, बहुत वीर लोग, और ऐसी अगर भावना हमारे अंदर त्याग किया है तो हम अपने देश की काया पालन पूरी तरह से कर सकते हैं, इसलिए मुझे कोई शंका नहीं। लेकिन वो त्याग होनी चाहिए और उस त्याग में बड़ा गर्व होना, वो त्याग करने में कोई रोता नहीं है। बहुत से मैं देखती हूँ कि सरकारी नौकर मुद्दे भी है तो कहेंगे भाई मैं बड़ा ईमानदार हूँ इसलिए मेरे पास कुछ कर भी, तुम ईमानदार हो तो उसमें रोने कौन सी बात है, मेरी खुशी की बात है, तुम तो ईमानदार हो कम से कम। अगर मैं ईमानदार नहीं होता तो मेरे पास मोटर होती है होती वो होती, तो मत करो वही कोई धंधे करो, पैसे लिए आप ईमानदार बन। पर पहले इसका बड़ा गर्व, और लोग बहुत सोचते थे ये बच्चे किसके, इनके बाप ऐसे, इनकी माँ ऐसे, इस कदर शानदार लोग थे और इतने त्याग वाले थे। इतना ही नहीं, हम लोगों को तक यही था कि तुम देश के लिए पूर्णतः अपने को समर्पित करो, तुम प्राण में तब हम खुश होंगे। इस तरह के माँ बाप हम लोगों ने पाए थे, और इस तरह के आज भी हमें लोग चाहिए, तभी देश की राजकीय स्थिति ठीक हो सकती। सहयोग में आपके कोई प्राणवान जाने की बात, कोई कुछ भी करे आप लोगों का जीवन बना है, और हर तरह से आपको सुख है। सहयोग में तो सुख ही सुख है, आनंद ही आनंद है, लेकिन ये सोचना चाहिए कि ये एक तरह का चॉकलेट जिसको आप खाते हैं इसके अंदर एक गहन चीज वो है जहाँ आपको तब भी करना, और जब तक ये तपस्या नहीं होती तब तक आप पूरी तरह से सहयोग को प्राप्त नहीं कर सकते। ये तपस्या वैसी नहीं है जैसे कि हिमालय पर जाओ और कपड़े उतार के ठंड में ठिठुरते रहो, उस तरह की, पर ये तपस्या ये कि काया वाच मन से पूरी तरह से आपको समर्पित होना चाहिए एक बड़े देश के, बड़ी चीज के, तब फिर अपने आप बहुत सी चीजें घटित हो जाएंगी। आज तक मैंने आपके कोई चीज का बंधन नहीं था, किसी चीज की मनाही नहीं, सब प्यार प्यार की बातें होती नहीं, प्यार ही देती नहीं, और सब प्यार करता रहा, सब आपस में मजा मजा होते रहा। लेकिन आज जब आपने जन्मदिन की बात की है तो एक नया आयाम हमारे जिंदगी में आ जाए, नए इरादे हो जाए, और जिन इरादों पे हम बाद में गर्व करें ऐसे इरादे हमारे अंदर हो सकते हैं। और आप लोग सहयोगी हैं, आपका हर इरादा पूरा हो जाता है। मेरा तो मुझे इरादे ही नहीं है और मुझे कोई इच्छा नहीं है, लेकिन आप लोग इच्छा अगर करें तो सब चीज ठीक हो सकती है। और इसके आज हमारे
स्तुति के लिए आपको मन से प्रार्थना भी करनी चाहिए और आज पूजा भी करनी चाहिए इसी चीज को सोच के कि हमें अपने देश की स्थिति ठीक करनी है और हमारे अंदर वो शक्तियाँ आए जहाँ हम अपनी छोटी सी जो जिंदगी है उसको विशाल करके कम से कम देश की ओर नजर करें और इसकी जो हालात है उसको समझ लें और उसमें कार्यान्वयन। आज का दिन आप सबको शुभ हो और आशा है कि मेरे जीते जी ही मैं वो भी दिन देख सकूं जब हमारा देश इन सब बंधनों से आजाद हो जाए पूरी तरह से और सहज का झंडा सब जगह फैल जाए। आप सबको अनंत आशीर्वाद। रागा मालकोस, प्लीज पुट योर अटेंशन ऑन भवसागर। आई फील व्हेन आई लिसन रागा मालकोस, दिस इज द रागा ऑफ आवर डिग्निटी, ऑफ आवर प्रिंसिपल। लेट्स एंजॉय रागा मालकोस।
Sa ga ma da ga ma da ga ma ga sa da ne sa ga ma da ni sa da ne sa ga ma da sa da ma sa ma sa ga da sa ma sa ga da ga da sa ga ma da ni sa da ne ma ma da ga da ma da ga ma ga sa ga ma ga.
निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए। मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। दर्शन करके मन ही मन हर्षाए। निर्मल चादर ओढ़ सहज की, निर्मल चादर ओढ़ सहज की। चादर ओढ़
ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए निर्मल चादर ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए मन में माँ के दर्शन करके मन ही मन हर्षाए निर्मल चादर ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की चादर ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए निर्मल चादर ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की शरण में माँ की आए मन में माँ दर्शन करके मन ही मन हर्षाए निर्मल चादर ओढ़ सहज की निर्मल चादर ओढ़ सहज की जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय जय माँ जय माँ
जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय जय मां, जय मां।